नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जिसने लास्ट वीक में आप देख सकते हैं कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली चार्ट है 285 से लेके ऑलमोस्ट 393 का रिटर्न दिया हुआ है। तो इस ये वीक में क्या हो गया, और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है, तो इसका रिलायंस के चार्ट के साथ मैं कंपैरिजन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक में और भी तेज़ी कैसे पॉसिबल हो सकती है और कौन से लेवल है वहाँ से आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और देश की बड़ी जो ब्रोकरेज कंपनी है उन्होंने भी इतना अच्छा टारगेट रिवाइज कर दिया है, जो अभी के करंट प्राइस से भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इस स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्री में। अब बात करते हैं एसबीआई के चार्ट के ऊपर। पहले तो एसबीआई का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, और ये डेली चार्ट में आपको गेन दिख रहा है। अब मैं आपको मंथली चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ। रिजल्ट हर मौके पे अच्छा है, यानी कि फंडामेंटल में तो चेंज हुआ ही है। अब हम देखते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन, मैंने मंथली ट्रेंड लाइन है, वो मंथली ट्रेंड लाइन ये मंथ के अंदर उन्होंने तोड़ दी है, और आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला है, और अभी तो मंथ की शुरुआत है और भी आगे जाने की क्षमता रखता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी खींचते हैं तो भी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज आया है, और अभी जो चार्ट है वो अनचार्टेड टेरिटरी में अपना मूवमेंट कर रहा है। ये इसका लाइफ टाइम चार्ट है, एसबीआई का मंथली चार्ट, यानी कि अभी अनटेरिटरी जोन में चला गया है। और जो भी ब्रोकरेज है, जैसे कि आईसीसीआई डायरेक्ट का ब्रोकरेज है, उन्होंने अपना जो टारगेट है वो काफ़ी रिवाइज कर दिया है और 412 किया है, 410 किया है, जो अभी ये प्राइस है तो बहुत ही टच हो जाता है। बट बाकी जो ब्रोकरेज है, मोतीलाल ओसवाल है, उन्होंने जो टारगेट रखा है वो 475 है, शेर खान ने जो है वो 460 है, और जो फॉरेन जो जेफरीज और सीएलएस है और उन लोगों ने तो अराउंड 600 तक के टारगेट दिए हुए हैं दोस्तों। तो इसमें आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है, और गवर्नमेंट की कंपनी है तो डिविडेंड भी मिलता है। अब इसका जो चार्ट हमने देखा कि ये मंथली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आया, और उसके बाद क्या हुआ था रिलायंस के चार्ट में, तो हम रिलायंस का चार्ट ओपन करके उसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ये रिलायंस का मंथली चार्ट है, उसको मैं वीकली में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे 2019 में एक, फिर 20 दिसंबर 2019, और 3 वीक जनवरी में 3 बार वो हाई बनाया था, फिर एक और बार टच करने की कोशिश की 15 मई में, और फिर उसके बाद उसका ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट आया था अराउंड 1600 के आसपास, और अभी का प्राइस जो चल रहा है 1900 चल रहा है, और वो 1600 से पूरा ऑलमोस्ट 2300 तक वो गया था। तो ऐसा ही मोमेंटम इस स्टॉक में बन सकता है। अगर आपके वित्तीय कला सलाहकार सलाह देते हैं तो आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।